हेलो यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम आए हैं रणथंभौर और हम रुके हैं टाइगर मून रिसोर्ट में, जो कि काफ़ी अच्छा रिसोर्ट है और पूरा जंगल का फील देता है ये रिसोर्ट। तो स्पेशली हम यहाँ पे रुके हैं, बहुत ही अच्छा रिसोर्ट है। मैं आपको हर एक रूम दिखाऊँगा यहाँ का, और खाना भी बहुत अच्छा है। लंच डिनर हमने जो पैकेज लिया था वो ऑल मील लिया था, इसमें ब्रेकफास्ट लंच डिनर हमारा तीनों था। बहुत ही अच्छा खाना था यहाँ का। तो मैं आपको रूम्स वगैरह सब कुछ यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। अगर आप आने का सोच रहे हैं रणथंभौर में, तो आप ज़रूर यहाँ पे रुक सकते हैं। दोस्तों, अभी मैं आपको जो दिखा रहा हूँ ये एरिया फ्रंट ऑफिस है, और सर यहाँ के मैनेजर है, और जो हमें पूरा विजिट कराएंगे रिसॉर्ट और बताएंगे क्या कौन कौन सी कैटेगरी के रूम्स है और साथ में क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करते हैं। देखिए सर, रणथंभौर वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स के लिए, या वाइल्ड लाइफ जो चाहते हैं या वाइल्ड लाइफ जो देखना चाहते हैं, वी कैन से इन ईजी लैंग्वेज इट इज़ अ गोल्ड माइन। बिकॉज जितने भी टाइगर नेशनल पार्क्स हैं उनमें रणथंभौर एक ऐसा पार्क है जहाँ पे जो विजुअलिटी है टाइगर की वो सबसे ज़्यादा रहती है। हमारे यहाँ पे लगभग जैसे 10 जोन हैं, 1000 जोन में लगभग टाइगर इजीली विजुअल हो जाते हैं, अगर हम किसी और जंगल या नेशनल पार्क से कंपेयर करें तो। लेकिन सर यहाँ पे ऐसा है कि यहाँ पे काफ़ी सारे रिजॉर्ट्स हैं, लेकिन कुछ एक ही रिजॉर्ट्स हैं जो कि हम काउंट कर सकते हैं उंगलियों पे, जो उस जंगल से लगे हुए हैं, जो कोर जोन से लगे हुए हैं। ठीक है, उनमें से एक हमारी प्रॉपर्टी है, दिस इज़ टाइगर मून रिजॉर्ट। टाइगर मून इट्स अ ओल्डेस्ट, वन ऑफ द ओल्डेस्ट रिजॉर्ट इन रणथंभौर। इट्स अ 35 ईयर्स ओल्ड, और हमारी जो फेंसिंग है वो जोन नंबर 5, और टाइगर मून की फेंसिंग बिल्कुल एक है, तो बिल्कुल टच करती है। वी हैव टोटल 36 कॉटेजेस, और जो हमारे पास तीन अलग अलग कैटेगरीज में हैं, वी हैव स्वीट्स, वी हैव जंगल डीलक्स कॉटेज एंड वी हैव डीलक्स कॉटेज। सो पूल हमारा यहाँ पे कोविड के बाद वापस ऑपरेशनल हो गया है, और स्पा जब गवर्नमेंट हमें अलाउ कर देंगे कोविड के बाद से, तो अब स्पा भी हम चालू कर देंगे। वी हैव ऑल द फैसिलिटीज। जंगल डीलक्स कॉटेज जो स्वीट्स के पास में है, जिस तरह आप इस तरफ देख पा रहे हैं कि यहाँ से हमारी प्रॉपर्टी चालू होती है, जैसे एक रूम नंबर 1, रूम नंबर 2 से लेके रूम नंबर 16 तक हमारे सारे जंगल डीलक्स कॉटेज हैं, और ऊपर वी हैव दैट स्वीट्स जो हम अभी देखेंगे। लेकिन उससे पहले आप देखिए कि ये हमारी प्रॉपर्टी है और ये हमारी फेंसिंग है। यहाँ पे इस फेंसिंग में ये जोन नंबर 5, तो आपको यहाँ से ही पीछे पूरा जंगल का व्यू दिख जाएगा, और इसी के पीछे जोन नंबर 5 है, और वहाँ से आपको एनिमल्स की मूवमेंट्स दिख जाएगी।
पुल के पीछे की तरफ जो आपको टेरेस दिख रहा है ऊपर जी, तो इस पर आप थोड़ा सा जूम कर सकते हैं, तो दैट इज़ अवर मचान। तो वो एक अच्छी जगह है जहाँ से हम पूरे पीछे 5 नंबर जोन के जो पीछे वाला पार्ट है उसका हम दूर तक देख सकते हैं, इंक्लूडिंग वी हैव द सर्च लाइट ऑल्सो। जैसे रात में अगर कोई एक्टिविटी होती है तो हमारे गार्ड्स है होते हैं यहाँ पे, तो आप सर्च लाइट से आप नाइट में भी आप एक्टिविटीज़ देख सकते हैं। एक चीज़ में सर बताना चाहूँगा इस रिजॉर्ट के बारे में कि वी हैव द बेस्ट विजन इज द नेचर, दैट्स व्हाई वी डोंट हैव टेलीविजन। सो हमारे किसी भी रूम में कोई LED टीवी नहीं है, वी हैव द ओनली LED दैट इज इन द बार, ताकि कभी मैचेस वगैरह होते हैं या वाइल्ड लाइफ की जो डॉक्यूमेंट्रीज होती है वो हम सब यहीं पे उनको दिखाते हैं। वी हैव द कॉन्फ्रेंस हॉल्स ऑल्सो और रेस्टोरेंट, लेट्स सी। दिस इज आवर रेस्टोरेंट, चुका हूँ अभी रेस्टोरेंट में और मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या हमारे डिनर में होने वाला है। और बेसिक यहाँ पे जो सिस्टम है बूफे सिस्टम है। और तो भैया क्या क्या है आज डिनर के अंदर? ये क्या है? अच्छा, सूप है और ये जीरा राइस हो गया, दाल फ्राई हो गई, पनीर हो गई, बटर पनीर। ये क्या है? राजस्थानी कड़ी और ये सेवैया, मतलब खीर बोल सकते हैं। ये क्या है? दरबारी चिकन। दरबारी चिकन, तो ये हमारा बुफे लग चुका है डिनर का। और दिन को जो मैंने लंच किया था बहुत ही अच्छा खाना था, और मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप अगर टाइगर मून होटल रिसोर्ट बुक करवा रहे हैं तो आप यहाँ पे ऑल मील बुक करवाइए, तो आपको इसमें आपको ब्रेकफास्ट भी मिल जाएगा, लंच भी मिल जाएगा, डिनर भी मिल जाएगा। काफ़ी अच्छा खाना है, बहुत लजीज है खाना। दिन लंच के समय तो मैं शूट नहीं कर पाया क्योंकि मुझे गणेश जी के मंदिर पर जाना था। दोस्तों ये आप रणथंभौर की बेस्ट होटल मान सकते हैं क्योंकि रूम्स, सर्विस और खाना सब कुछ यहाँ का अच्छा है। अगर आपका बजट 5,000 के अंदर है तो आप इस रिसोर्ट के अंदर रुक सकते हैं। टाइगर मून रिसोर्ट के नाम से ये रिसोर्ट है और बहुत अच्छा है। और मैंने आपको हर कोशिश की है हर चीज़ दिखाने की इस होटल के बारे में, हर चीज़ बताई भी है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही प्लीज़ उसको लाइक शेयर कर दीजिए।